हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग, जी हां, उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग की कल मीटिंग थी। मीटिंग में मंगलवार ही मीटिंग थी जिसमें आयोग का फैसला लिया गया है। आयोग ने कुछ बड़े फैसले लिए हैं कल की मीटिंग में। किसी भी स्तर पर नहीं होगी धांधली, हर स्तर पर धांधली रोकने के लिए आयोग का बड़ा फैसला। आयोग ने उठाए हैं कई बड़े कदम, तो ये रही आपके लिए अपडेट। चलिए देखते हैं क्या है पूरी खबर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा इसी तरह के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग अलग अलग संस्थाओं को सौंपे जाएंगे भर्तियों से जुड़े काम। शुचिता बनाए रखने के लिए अधीन सेवा चयन आयोग का फैसला, दंड लगाने का भी किया जाएगा प्रावधान। तो चलिए देखते हैं क्या है पूरी खबर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप डिटेल्स में हम चलिए आपको दिखा देते हैं। उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग ने प्रश्न पत्र तैयार करने के से लेकर परीक्षाओं के संचालन तक, ओएमआर सीट की स्कैनिंग से लेकर स्कोर प्राप्त तक, या मेरिट सूची के आधार पर अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की कोषागार संरक्षित ओएमआर प्रतियों का मूल प्रति से मिलान कर फाइनल स्कोर तैयार करने तक का काम यथासंभव अलग अलग कार्यदायी संस्थाओं से कराने का फैसला किया है। परीक्षाओं की शुचिता बरकरार रखने और उनमें अनियमितता की गुंजाइश खत्म करने के मकसद से आयोग ने पालीवाल समिति की सिफारिश को मानते हुए यह निर्णय किया है। यह जो सिफारिश थी वो पिछले जब सीबी पालीवाल अध्यक्ष थे तभी फैसला लिया गया था, लेकिन अभी तक इसको माना नहीं गया था, लेकिन अब इसे मान लिया गया है। आयोग के अध्यक्ष प्रवीण कुमार की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में यह फैसला हुआ है। इसमें परीक्षाओं की शुचिता बनाए रखने के लिए विभिन्न विकल्पों और सुझावों पर चर्चा की गई है। तो यहाँ पे एक बड़ी खबर, विभिन्न विकल्पों और सुझावों पर चर्चा की गई है। आयोग ने इस बात पर गौर किया है कि उत्तर प्रदेश साक्षात्कार बंद किया जाना उत्तर प्रदेश में साक्षात्कार बंद किया जाना नियमावली 2017 को लागू हो जाने के बाद लिखित परीक्षा के आधार पर ही चयन से जुड़ी सभी कार्रवाई की जानी है। इसलिए न सिर्फ परीक्षाओं के संचालन बल्कि ओएमआर सीट की स्कैनिंग व उसके आधार पर रिजल्ट तैयार करने के काम में भी खास सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। आयोग ने अभी जो व्यवस्था लागू की है उसमें प्रश्न पत्र तैयार करने से लेकर परीक्षाओं के संचालन तथा ओएमआर सीट की स्कैनिंग व स्कोर तैयार करने तक की सभी कार्रवाई को एक ही कार्यदायी संस्था करती रही है। अभी तक का जो है अभी तक जो सारे काम करती थी एक संस्था को टेंडर दे दिया जाता था और वही संस्था सारे काम करती थी, लेकिन अब इसमें बदलाव किया गया है, संस्था करती है। नहीं, पालीवाल समिति ने सभी काम अलग अलग कार्यदायी संस्थाओं से कराए जाने से बेहतर माना है। आयोग में बैठक में आयोग की ओर से निर्देश दिए गए कि भविष्य में मूल ओएमआर सीट की स्कैनिंग व उसके आधार पर परीक्षा स्कोर तैयार करने का काम समानांतर रूप यहाँ पे समानांतर रूप से किसी दूसरी कार्यदायी संस्था से भी करा लिए जाएं। यह भी निर्देश दिया गया कि मेरिट सूची के आधार पर अनंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की संख्या से दोगुनी संख्या तक मेरिट सूची में स्थान प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की कोषागार को संरक्षित ओएमआर प्रतियों का मूल प्रतियों से मिलान कर अंतिम स्कोर तैयार करने का काम किसी तीसरी कार्यदायी संस्था से कराए जाएं जाने के बाद अंतिम परीक्षाफल तैयार किया जाए। इसमें किसी भी स्तर पर हुई कोई मानवीय गलती या अनियमितता सामने आती है तो उसका समय से निराकरण भी किया जाए। ये बड़ी अपडेट रही अभ्यर्थियों के लिए। एक और चीज़ यहाँ पे दी गई है, दंड लगाए जाने का प्रावधान भी आयोग ने यह भी निर्णय लिया है कि परीक्षाओं के आयोजन से जुड़ी समस्त कार्रवाई समयबद्ध ढंग से पूरी की जाए। यदि किसी कार्रवाई संस्था की ओर से किसी स्तर पे अनावश्यक विलंब किया जाता है तो अनुबंध के आर्थिक दंड का भी प्रयोग किया जाएगा, प्रावधान किया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट रही है आप सभी के लिए। उम्मीद है कि इस फैसले से रिजल्ट तो समय से आएंगे, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग के इन फैसलों से परीक्षाओं में धांधली भी बड़ी मात्रा में रुकेगी।
तो ये बड़ी अपडेट रही है आप सभी के लिए उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग की मीटिंग में कल के फैसले से संबंधित। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।